नमस्कार, अब हम कक्षा 7 के थर्ड लैंग्वेज हिंदी पाठ्यक्रम में से पाठ 10 केले के पत्ते इससे इस पाठ से संबंधित वर्कशीट करते हैं। प्रश्न 1, केले के पत्तों को पर्यावरण मित्र क्यों कहा गया? अगर प्लास्टिक की डिस्पोजेबल प्लेट्स, इनमें हम भोजन करते हैं, तो ये प्लास्टिक की डिस्पोजेबल प्लेट पर्यावरण के लिए हानिकारक है, इसलिए हम केलों के पत्तों में भोजन करने से हमें स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और पर्यावरण भी नुकसान ना होगा, इसलिए केले के पत्तों को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण का मित्र कहते हैं। आइए उत्तर पढ़कर देखते हैं। प्लास्टिक की डिस्पोजेबल प्लेटों की जगह प्रयोग होने के कारण केले के पत्तों को पर्यावरण का मित्र कहा गया है। फिर से पढ़ती हूँ, सुनिए। प्लास्टिक की डिस्पोजेबल प्लेटों की जगह प्रयोग होने के कारण केले के पत्तों को पर्यावरण का मित्र कहा गया है। इसके बाद प्रश्न 2, किसके पत्तों पर भोजन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है? केले के पत्तों पर भोजन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसका उत्तर है केले के पत्तों पर। प्रश्न 3, नरम शब्द का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। नरम शब्द को अंग्रेजी में हम सॉफ्ट कहते हैं, SOFT, सॉफ्ट। नरम शब्द का अंग्रेजी अर्थ है सॉफ्ट। पर्यावरण शब्द का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। पर्यावरण को हम इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहते हैं। स्पेलिंग देखिए, ENVIRONMENT, एनवायरनमेंट। पर्यावरण को हम अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहते हैं। किनको केलों के पत्तों पर भोजन करना बहुत अच्छा लगा? मोहुल को केलों के पत्तों पर भोजन करना बहुत बहुत अच्छा लगा। प्रश्न 6, केले के पत्तों में मौजूद कौन से गुण त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं? त्वचा यानी कि चर्म, स्किन, त्वचा के लिए फायदेमंद ओके, गुणदायक है। केले के पत्तों में कुछ गुण मौजूद हैं, उपस्थित हैं, वे क्या हैं? केले के पत्तों में जो गुण मौजूद हैं, उन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। त्वचा के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत बहुत फायदेमंद है। इसके बाद प्रश्न 7, कार वाला शब्द से मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है? इन दोनों को अलग करके लिखिए। मूल शब्द है कार और प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब है सफिक्स, प्रत्यय है वाला। मूल शब्द कार और प्रत्यय है वाला। कार वाला शब्द में मूल शब्द कार है और प्रत्यय है वाला। प्रश्न 8 है, फेरी वाली शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। फेरी वाली शब्द में मूल शब्द फेरी है और प्रत्यय है वाली। इसके साथ इस वर्कशीट समाप्त होता है। नमस्कार।